हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। इन दिस चैप्टर टुडेज इन दिस वीडियो आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में हम आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मोलेकुलरिटी क्या होती है? मोलेकुलरिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनकी टोटल नंबर क्या होती है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है उसके मोलेकुलरिटी पर डिपेंड नहीं करता है। रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्टेंट्स की एक्टिवनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कितने रिएक्टेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किस प्रकार से चेंज हो रही है। उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया था कि किसी भी रिएक्शन की जब मैकेनिज्म हम देखते हैं तो उसका जो स्लोएस्ट स्टेप का जो रेट होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम देख लेते हैं किसी भी रिएक्शन की मोलेकुलरिटी को आप किस तरह से डिफाइन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं मोलेकुलरिटी का मतलब क्या होता है। इट मीन्स द नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स एटम और आयंस पार्ट सिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग इन दैट रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी नंबर इन दैट रिएक्शन विच रिप्रेजेंट स्टोइकोमेट्री इक्वेशन which represents stoichiometric equation। यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे। रिएक्शन को कैसे लिखोगे? बैलेंस लिखोगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद उसकी आप मोलेकुलरिटी बताओगे, ठीक है ना। तो ऐसे के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है और ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो ये कोई रिएक्शन है जिसमें ओनली वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी जो मोलेकुलरिटी होगी वो क्या होगी? वन। मोलेकुलरिटी को एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं यहाँ पर ये अगर कोई रिएक्शन आती है तो इस रिएक्शन के लिए आप मोलेकुलरिटी कितनी लोगे? टू, क्योंकि ए के मोलिक्यूल्स कितने हो गए जहाँ? टू। तो मोलेकुलरिटी हो सकती है इसकी कितनी? टू। अगर रिएक्शन आपके पास हो सकती है ए प्लस बी, यानी कि रिएक्टेंट दो हो गए आपके पास और ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन के लिए भी मोलेकुलरिटी कितनी हो सकती है? टू। यानी कि जितने रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्री इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टोटल नंबर उसकी क्या होगी? मोलेकुलरिटी होगी। जैसे कि इसकी मोलेकुलरिटी अगर चेक की जाए तो कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? थ्री। क्लियर है ना। तो ये होती है मोलेकुलरिटी किसी भी रिएक्शन के अंदर। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन आप लोग नोट करोगे और उस स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एटम्स
या आयंस जो भी हैं उनकी टोटल नंबर आपको नोट करनी है, कितने नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, वो उसकी टोटल क्या होती है, मोलेकुलरिटी होती है। ठीक है ना, मोलेकुलरिटी होती है मोले। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो किस पर डिपेंड करे, मोलेकुलरिटी पर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मोलेकुलरिटी जो होती है वो कितनी भी हो सकती है, जबकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट आ गए तो मोलेकुलरिटी तो 4, 5, 6, 8, 10 कितनी भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास कितने हैं, 0 to 3। 0 ऑर्डर हो सकता है, 1 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तक से हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। क्लियर है ना, तो इसलिए मोलेकुलरिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं एक लाइन में हम नोट कर देता हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलेकुलरिटी। ठीक है ना, वैसे बहुत सारी रिएक्शंस आपको ऐसी मिलेंगी, मतलब अधिकांशतः रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन ऐसी मिलेंगी कि जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो मोलेकुलरिटी के इक्वल ही रहता है। जैसे अगर इस रिएक्शन की मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो इसका फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, इसका सेकंड ऑर्डर आएगा, इसका सेकंड ऑर्डर आएगा, इसका थर्ड ऑर्डर आएगा। क्लियर है ना, तो मोस्टली रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो मोलेकुलरिटी के इक्वल आ जाता है, लेकिन सबके लिए ये लागू नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपके पास कितने, 0 to 3, या तो 0 ऑर्डर हो सकती है, या फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर तो हमारे पास यही है बस, और मोलेकुलरिटी कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। ठीक है ना, अब देखो कुछ एग्जांपल्स इसके लिए हम यहाँ पर नोट करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का कि मोलेकुलरिटी के साथ साथ उसके ऑर्डर को किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एग्जांपल्स नोट करता हूँ मैं स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल्स को ध्यान में रखना। देखो, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में आप H2 और Cl2 को रिएक्ट कराते हो एट द वाटर सरफेस। कहाँ पे करा रहे हो रिएक्शन को, वाटर सरफेस पर। ठीक है ना, एट द वाटर सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो चेक करते हैं, H2 plus Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस है, 2HCl। क्लियर है, ये वाली रिएक्शन अगर यहाँ पर अकर्स है तो इस रिएक्शन में मोलेकुलरिटी कितनी है स्टूडेंट्स, मोलेकुलरिटी इज 2। मोलेकुलरिटी कितनी है, 2, और ऑर्डर कैसा हो गया इसका, 0। ऑर्डर कैसा हो गया, 0, क्योंकि इस रिएक्शन में कोई स्लो स्टेप नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इन दोनों रिएक्टेंट्स में से किसकी कंसंट्रेशन पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम। ठीक है ना, इसी तरह का और एग्जांपल लिख सकते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
एस्टर का अगर आप लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और एंड इट्स मोलिकुलरिटी एच टू, इसकी मोलिकुलरिटी टू है, देखो एस्टर लो सी एच थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव, क्या लिया ये एस्टर है, क्या नेम हो सकता है, इथाइल एसीटेट, और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या ऑब्टेन होना है, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, यही तो ऑब्टेन होगा। अब इस रिएक्शन को अगर आप लोग चेक करेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के दो, इसलिए मोलिकुलरिटी कितनी होनी चाहिए, टू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन के अकर्स होने पर, इसके रिएक्शन के कंप्लीट होने पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट पर, ठीक है ना। तो ऐसे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में अगर इसका इसके स्टेप्स देखे जाएँ तो ये किस पर डिपेंड करता है, एथिल एसीटेट पर, ठीक है ना। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट। और एग्जांपल देखते हैं हम, मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, ये आपको एक्सप्लेन किया था मैंने एग्जांपल, ठीक है ना। इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी कितनी है स्टूडेंट्स, देखो मोलिकुलरिटी कितनी लिखोगे, टू, भाई दो मॉलिक्यूल्स हैं N2O5 के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसके स्टेप्स अगर हम देखते हैं तो इसका जो स्लो स्टेप है उस पर इसका ऑर्डर डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको कैसे नोट कर सकते हो आप, इस तरह से नोट कर सकते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इन सारे एग्जांपल्स से यही हमारा एम था एक्सप्लेन करने का, कि हमको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि मोलिकुलरिटी पर रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी मोलिकुलरिटी है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उतना ही हो, ठीक है ना। वैसे मैं इस बात को भी कह रहा हूँ आपसे कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है, ठीक है ना, लेकिन सभी रिएक्शंस के लिए ऐसा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको आराम से चेक करो और नोट करो रिएक्शंस को, और इनके ऑर्डर और मोलिकुलरिटी को भी हमें क्लियर करना चाहिए। अब अपने टॉपिक पर लौटते हैं स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक कौन सा था, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं और वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप आराम से आपके ध्यान में आ जाएंगे, जैसे किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो फर्स्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हाई, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। तो उस जगह पर जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, स्पीडली होगी, कैसी होगी, स्पीडली होगी। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती आएगी रिएक्टेंट्स के, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा होता आएगा, डिक्रीज होता आएगा ना, ये बात तो समझते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए
for any reaction. Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें यहाँ पर, तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। आप जिस सिस्टम में रिएक्शन करा रहे हो उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी उसके रेट को अफेक्ट करता है। वी नो इट वेरी वेल दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन दैट द काइनेटिक एनर्जी गेट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कोलाइड ईच अदर फास्टली। हम इस बात को ठीक से जानते हैं कि जैसे आप किसी सिस्टम की टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोलाइड करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और कोलाइड करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होने पर उस रेट रिएक्शन का रेट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की नेचर पर, प्रोडक्ट की नेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। रिएक्टेंट आपने किस नेचर का लिया है, ज़्यादा एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, या स्लो स्पीड में रिएक्शन करता है, फास्ट स्पीड में रिएक्शन करता है, और प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और एक रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि आप कैटलिस्ट डाल देते हो किसी भी रिएक्शन के अंदर। कैटलिस्ट कैसे सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में बहुत ही टिनी अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं, और वो अफेक्ट करते हैं ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को, और उनका खुद का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑब्टेन हो जाते हैं जितनी अमाउंट में आपने उसको रिएक्शन के अंदर डाला था, ठीक है ना। तो एक कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक बात कर सकते हैं हम सरफेस एरिया की। अगर रिएक्टेंट्स का के लिए रिएक्शन करने के लिए, रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करने के लिए अगर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाए तो वो आराम से इजी वे में रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल हूँ, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। आप एक लकड़ी का गुटका लो और उस लकड़ी के गुटके को अगर हम मोटे गुटके को जलाना चाहें, मोटे गुटके को जलाएंगे तो वो बहुत धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे बर्न होगा और धीमे धीमे ही उस वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब अगर उस लकड़ी के हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें और उनको एक साथ जलाएं तो वो तेज़ी से चलेंगे, तेज़ी से चलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने उन सबका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ अफेक्ट्स हैं, इस तरह के कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में। पहला हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन, नोट करते हैं इसमें, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम। समय के साथ साथ रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिक्रीज होता है, इस बात को आप समझते हो। अब डिक्रीज क्यों होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम सो चेंज इन
कंसेंट्रेशन एल्सो मैक्सिमम एल्सो मैक्सिमम। देखो इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन के अंदर चेंज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन के अंदर अगर चेंज मैक्सिमम हो रहा है तो इसका मतलब रेट ऑफ, इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो रिएक्शन तेज़ी से चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, पहले पहले जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन तेज चले, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो कह सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to concentration of reactants। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ होगी रिएक्शन, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती आएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको लर्न रखने के लिए मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सी आर लिख रहा हूँ मैं, सी कंसंट्रेशन है, आर लिख रहा हूँ मैं रिएक्टेंट की, ठीक है। तो आप इससे ध्यान रख सकते हो। दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्या है, दूसरा फैक्टर लिख रहा हूं मैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के कारण वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करने लगते हैं, और जब वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी वो एक दूसरे को कोलाइड भी करेंगे। कोलाइड करेंगे तो इजी वे में उनके अंदर जो ओल्डर बॉन्ड हैं, जो फॉर्मर बॉन्ड हैं, जो रिएक्टेंट्स के अंदर पहले जो बंध बने हुए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल चुकी है ना, ब्रेक हो जाएंगे। जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो फ्रीली मूवमेंट करेंगे आयंस, आयंस फ्रीली मूवमेंट करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अनुसार क्या होगा, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि भाई इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आपने एनर्जी दे दिए तो उनके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो अब ये क्या करेंगे, इनके अंदर जो पुराने बंध बने हुए हैं वो ब्रेक होंगे और इनके जो आयंस हैं वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे। फ्रीली मूवमेंट करने एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे ना, एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे, तो यही कोलिजन थ्योरी कहती है। कोलिजन थ्योरी यही बात तो बताती है हमको, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज,
collision between molecules, between molecules also increase. मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो कॉलिजन है यानी कि जो टक्कर होने का काम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स. एक्टिव मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ जाएगी भाई, एक नंबर ये मॉलिक्यूल्स एक्टिव तो होंगे ही जैसे ही इनको टेम्परेचर मिलेगा. तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट एल्सो इंक्रीजेस. भाई एक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर आ गए तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना. और यहां पर क्या कह सकते हो, दी रेट ऑफ रिएक्शन एल्सो इंक्रीज, तो रिएक्शन का रेट भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आपने देखो दो फैक्टर देखे, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है ना. तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों फैक्टर आपको समझ आ जाने चाहिए. कंसंट्रेशन तो किस तरह से अफेक्ट करती है और टेम्परेचर सिस्टम का जो होता है वो किस तरह से अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना. दोनों फैक्टर्स को आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया करो और इनको नोट करना स्टार्ट किया करो. थर्ड फैक्टर यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स. मैंने बोला था आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, भाई नेचर पर तो डिपेंड करना ही है रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे रिएक्टेंट की नेचर होती है उसी के हिसाब से तो उसका रेट हो सकता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट करेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट के जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, अगर कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसके अंदर ओल्ड बॉन्ड बने हुए हैं और अगर वो ओल्ड बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो रिएक्शन का रेट जो होता है ना डिक्रीज हो जाता है. और अगर ऐसे रिएक्टेंट आप काम में ले रहे हो जिनके अंदर जो बॉन्ड हैं वो पुराने जो बॉन्ड बने हुए हैं ओल्ड बॉन्ड वो वीक हैं, तो वो इजी वे में ब्रेक हो जाएंगे और इजी वे में वो रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया. तो ये नेचर हो गई ना कि रिएक्टेंट आपने कैसा लिया है इसी पर तो डिपेंड कर रहा है. तो देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इच, द रेट ऑफ रिएक्शन इच एल्सो अफेक्टेड बाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनकी नेचर पर ये अफेक्टेड होता है,
old bond in reaction are broken. Old bond in reaction are broken. Old bond क्या लिखा आपने? In reaction. In reaction are broken and new bond form. पुराने बंध तो टूट जाएंगे और नए बंधों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाता है. ठीक है ना. द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड्स. द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज डिपेंड. किसी भी सब्सटेंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग. ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड. ठीक है ना. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो नेचर होती है उसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने कोई भी रिएक्टेंट ऐसा ले लिया कि जिसके अंदर बॉन्ड जो फॉर्म हुए हैं उनके पार्टिसिपेटेड एलिमेंट्स के बिटवीन वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, और अगर स्ट्रांग बॉन्ड हैं तो उनको ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब तक न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकते किसी भी रिएक्शन में. ठीक है ना. तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ओल्ड बॉन्ड किस तरह से कितनी देर में ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड कितनी देर में फॉर्म हो रहे हैं. तो ये स्पेसिफिक जो बॉन्ड होते हैं ये रिएक्टेंट की नेचर को शो करते हैं. तो ये जो बॉन्ड हैं या नेचर जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की ये अफेक्ट कर रही है ना रेट ऑफ रिएक्शन को. अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो धीरे धीरे, और अगर वीक बॉन्ड है तो फास्टली हो सकती है ना. ठीक है ना. अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है वो है अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था अभी. कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में डाल देते हो, मिक्स कर देते हो. ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में. तो ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज और इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये मिक्सचर में जितनी अमाउंट में आप लोगों ने मिलाए थे उतनी अमाउंट में आपको अगेन ऑब्टेन हो जाते हैं. तो कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन का रेट अगर आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो आप उस रिएक्शन के मिक्सचर में थोड़ा सा कोई अदर सब्सटेंस यानी कि कैटलिस्ट मिक्स कर सकते हैं. ठीक है ना. कैटलिस्ट आर एक्सटर्नल सब्सटेंस. नोट करेंगे यहां पर कैटलिस्ट आर एक्सटर्नल सब्सटेंस. ये बाहरी सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट
any chemical change in them. Any chemical change in them, यानी कि कैटलिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस होती है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कैटलिस्ट कैसा कर देता है, डिक्रीज कर देता है. और जब वो डिक्रीज हो जाती है तो रिएक्टेंट के जो ओल्डर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के साथ साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो काम होता है वो फास्टली होने लगता है. इट मीन्स क्या कह सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया कह सकते हैं ना, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो देखो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दूं. हमने यहाँ पर एक एस्टर लिया है, एथिल एसीटेट. अभी बताया था मैंने इसका नाम क्या होता है, एथिल एसीटेट. इसका आप लोगों को हाइड्रोलाइसिस कराना है. हाइड्रोलाइसिस कराना है तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो इसकी जो रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है, और स्लो स्पीड में ये क्या फॉर्म करता है, एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल. अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ी सी एसिड की अमाउंट मिक्स कर देते हो, एसिड से तो आएंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, थोड़ी सी एसिड की अमाउंट इसके अंदर मिक्स कर देते हो तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होने लग जाती है. और रिएक्शन अगर फास्ट हो रही है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ है. तो स्टूडेंट्स आपने 4 फैक्टर यहाँ पर स्टडी किए हैं. पहला फैक्टर कौन सा था, पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन. दूसरा क्या था, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना. और तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर पर भी किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड्स तो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं. ये चीज़ बताई थी आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में तो उनको टूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, अगर वीकर बॉन्ड हैं तो वो स्पीडली हो जाएगी, ठीक है ना. और फोर्थ यहाँ पर इफेक्ट जो हमने एक्सप्लेन किया है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं, और ये एक्सटर्नल सब्सटेंस को रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बड़ी स्मॉल अमाउंट में मिक्स किया जाता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आप इनको अगेन ऑब्टेन कर लेते हो, ठीक है ना. तो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए उसमें कैटलिस्ट को मिक्स किया जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या कर सकते हैं, कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं. और जैसे रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ होती है, जैसे ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले क्या हैं, एटम्स और आयंस हैं. वो आयंस और एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड से क्या हैं, बंधे हुए हैं, और
बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो यही उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इसको मिल जाएगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के जो आयंस हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो इन क्या करेंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे। वाइब्रेट होने लग जाएंगे तो वो फ्री हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यही काम करता है कौन, कैटलिस्ट। उसके लिए एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और आप इन फैक्टर्स को भी नोट कीजिए, ठीक है। अगला फैक्टर देखते हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। तो देखो, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया बढ़ा दो किसका, रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द सब्सटेंस डिवाइड इन सच स्मॉल पार्टिकल्स, द सब्सटेंस डिवाइड इन सच स्मॉल पार्टिकल्स, सब्सटेंस जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन एल्सो हायर, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन एल्सो हायर। जब सब्सटेंस डिवाइड होते हैं अपने पार्टिकल्स में तो उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा हो जाता है, हायर। क्यों हो जाता है, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ दैट रिएक्टेंट इंक्रीज, बिकॉज सरफेस एरिया एल्सो इंक्रीज विद डिवाइडेशन इन स्मॉल पार्टिकल्स, इंक्रीज विद स्मॉल डिविजन्स, ये लिख दो, ये चीज समझ आ रही है। जैसे ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को हमने यहां पर देखो, ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर सरफेस एरिया इस रिएक्टेंट का ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया होगा तो, ठीक है ना, रिएक्शन ज़्यादा होगी। क्यों होगी, सब्सटेंस डिवाइड्स इन सच स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है इसको अगर आप स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि लकड़ी का एक गुटका लिया हमने और लकड़ी के गुटके को अगर आप डायरेक्ट जलाते हो तो वो धीरे धीरे जलता है और कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि लकड़ी का जो गुटका है उसमें उसका जो सरफेस एरिया है जलने वाला सरफेस एरिया वो क्या है, कम है। अगर आप उसका स्मॉल डिवीजन कर दे दो, छोटे छोटे पार्टीज पीसेस में उसको कन्वर्ट कर दो, छोटे छोटे टुकड़े बना दो उसके और छोटे छोटे टुकड़ों को डालकर आप जलाइए, तो वो बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल पीस बन गए तो उससे क्या हो गया, वो जो रिएक्टेंट आप यूज़ करने वाले थे उसका पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन में अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना, ये हम ध्यान रखेंगे। एक और लिख सकते हैं हम यहां पर एक्सप्लोसिव ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन भी जो होते हैं ना, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ रिएक्शंस में ये रेडिएशंस अफेक्ट करते हैं। देखो, फोटोन ऑफ यूवी एंड विजिबल लाइट, फोटोन ऑफ यूवी एंड
विजिबल लाइट, ये कहाँ पर होते हैं? सनलाइट में होते हैं, सनलाइट में होते हैं अल्ट्रावायोलेट रेज और विजिबल लाइट, यानी कि अल्ट्रावायोलेट और विजिबल लाइट के जो फोटोन्स होते हैं ये कहाँ पर आएंगे? सनलाइट से आएंगे आपको, ठीक है ना। हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी डिसोसिएट केमिकल बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स, डिसोसिएट केमिकल बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स, बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स रैपिडली। भाई अल्ट्रावायोलेट या विजिबल लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो केमिक, वो उनके पास खुद की एनर्जी होती है। सन से जो लाइट आती है उसमें अल्ट्रावायोलेट होती हैं, यानी कि विजिबल लाइट जो आपको दिखाई देता है उसके अंदर फोटोन है, और उन फोटोन के पास खुद की क्या है? एनर्जी होती है। और वो फोटोन्स जब किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर पड़ेंगे, रिएक्टेंट के ऊपर पड़ेंगे तो रिएक्टेंट के जो केमिकल बॉन्ड हैं वो तेजी से डिसोसिएट होंगे, यानी कि एक तरह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। समझ आ रही होगी बात? विजिबल लाइट जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होता है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन के पास खुद की एनर्जी होती है, क्योंकि धूप में आप थोड़ी देर खड़े हो जाओ आपको आपके बॉडी की हीट बढ़ जाएगी, है ना, क्यों? क्योंकि फोटॉन्स आ रहे हैं और वो फोटॉन्स के पास खुद की एनर्जी है, वो आपकी बॉडी पर आकर पड़ते हैं, तुम्हारी बॉडी पर आकर पड़ते हैं तो इसी तरह से वो रिएक्टेंट के ऊपर आकर पड़ेंगे, और रिएक्टेंट के ऊपर आकर पड़ेंगे तो रिएक्टेंट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है वो तेजी से टूटने लग जाएंगे, और तेजी से टूटने लग जाएंगे जब बॉन्ड ही टूट गए, ओल्डर बॉन्ड टूट गए, न्यू बॉन्ड फॉर्म होने गए तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हम आपको एग्जांपल बता देते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को अंधेरे में एक साथ रखते हो और यहाँ पर रिएक्शन तो होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होगा, लेकिन ये स्लो स्पीड में होगी। कैसी स्पीड में होगी? स्लो स्पीड में। और अगर इन्हीं दोनों रिएक्टेंट्स को आप कहाँ रख दो? सनलाइट की प्रेजेंस में। कहाँ रख दिया आपने? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो भी यही रिएक्शन होगी, लेकिन इस जगह पर क्या होगी? फास्ट स्पीड में होगी, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है ना? क्यों? क्योंकि ये फास्ट स्पीड में इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की जो विजिबल लाइट है उसमें से फोटॉन्स यहाँ पर, अगर फोटॉन्स के कारण इनको एनर्जी मिल गई और एनर्जी से इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स के केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुए थे, ओल्डर बॉन्ड, वो ब्रेक होने लगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने आज यहाँ पर स्टडी किए हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं, उसके लिए 6 पॉइंट आपको हमने नोट किए हैं, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट नोट किए हैं आपको और इजी पॉइंट नोट किए हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएँ। ओके स्टूडेंट्स।